बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। वो अच्छा अमल करें तब भी हम उन्हें सजा देंगे। अलंजक उन्हें जलाकर खाक करने वाला था, मैंने बचाया उन्हें, मगर उन्होंने क्या किया, मेरी बहन को जख्मी कर दिया। मालूम करना कि वो संदूक कब रवाना होगा, फिर ये बात ड्रैगोस को बता देना, संदूक वो छीन लेगा। जैसा करते हैं वैसा भरते हैं इल्बिलके, मैं उन्हें मतलब नहीं समझा रहा। जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसके लिए आग बन जाऊंगा मैं। यहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो मैं कैसे सरदार की साख का ख्याल रखूं? अदालत कायम होगी और ऐसी के हर कोई उससे इबरत हासिल करेगा। करना क्या चाहते हैं बेबुलाद सरदार? उन्हें कबीले के वस्त में कोड़े मारूंगा। जबान बंद रखें तो बेहतर है जलजान खातून, आपको बेबुलाद सरदार के सामने पेश करना है, वही आपका फैसला करेंगे। मैं झूठ नहीं कह सकती, चाहे फरीक मेरी बहन ही क्यों ना हो। खवातीन ने जो कहा सच है। पहले खंजर सिरमा ने निकाला और झगड़े के दौरान वो खंजर सिरमा को लग गया। सच तो यह है कि उसकी गवाही से ये मसला तवील होने से बच गया। उसने सच के लिए अपने भाई और बहन को नहीं देखा और गवाही देकर ये मामला इंसाफ के साथ हल करवा दिया। अमीर बहाउद्दीन का अंजाम भूल गए क्या? उसकी मौत भी मंगोलों की तलवार से ही हुई। जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर उनकी तलवार आई उस दिन तुम भी कोई मददगार नहीं पाओगे। क्या सिपाहियों ने काई कबीले को चारों तरफ से घेर लिया है सुबुताई? सिपाही काई कबीले के नजदीक है जनाब, हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। अगर आप वहां गवाही नहीं देती तो उस सलजान को सजा मिल चुकी होती। क्या मिला आपको ये करके? सच छुपता नहीं, वो अपना रास्ता बनाते हुए सामने आ जाता है। ऐसा पहली बार नहीं किया है आपने बाजी। उसने जब मुझ पर हाथ उठाया तो उसे रोका तक नहीं और आज आपने उसे सजा से बचा लिया। आखिर क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है सिरमा, बस बहुत हो गया। अर्तुरुल के आने से पहले तक आप मेरे साथ थी और उसे देखते ही फैसला बदल दिया आपने, या फिर मुझसे ज्यादा अर्तुरुल की मोहब्बत अजीज है आपको? मैंने कहा था आपसे, अर्तुरुल को फना किए बगैर यहां ना मैं और ना ही आप राज कर सकते हैं। हम आज पूरी दुनिया पर राज करते हैं तो यहां क्यों नहीं कर सकते? इतने खौफजदा क्यों हो तुम अर्तुरुल से?
मैं किसी से खौफजदा नहीं कमांडर। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब का सब सच था। सबके सामने मेरे फैसले की धज्जियां उड़ा दी गईं। ये उसने मेरे साथ नहीं आपके साथ किया है। मुझे सरदार आला का ओहदा मिलने पर वो बरहम हो गया है। मेरा ये पंजा मेरी इताअत न करने वाले कई बागियों को दबोच चुका है। अर्तुरुल फिर गायब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कई खास चीजें हासिल करनी है। आप यहां सोने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है उस्मान जैसा वाकया फिर से पेश नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे खून के प्यासे सिपाही हाथों में तलवार लिए मेरे हुक्म के मुंतजर हैं। भी बताती है। बहुत खूब। आप अकेले आए हैं सरदार, कि सोना आपके सिपाही लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा सोना नहीं ला सका मैं। क्या मतलब है नहीं ला सका? क्या मैंने बताया नहीं था कि अगर सोना ना लाए तो तुम्हारे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा? बताया था मुझे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतनी जुर्रत किसके भरोसे पर हुई? क्या तुम जब अपने कबीले गए तो सुना नहीं कि मैं तुम्हारा कबीला तबाह करने वाला था? तुम क्यों मेरा कबीला तबाह करना चाहते थे? तुम्हारे हाथ से केकवुस निकल गया, इसका बदला मेरे कबीले से लेना चाहते हो? मुझे यकीन है कि हलाकू खान तुमसे तुम्हारी इस नाअहली का बदला जरूर लेगा। बस करो, जो तुम्हारा मामला नहीं उसमें दखल ना दो। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। अगर मेरे कबीले के किसी फर्द को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें हलाकू खान के गजब से कोई नहीं बचा पाएगा। इसका क्या मतलब है? मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें हलाकू खान के गजब से न सिर्फ बचा सकता है अलंजा, बल्कि मंगोल रियासत के बाइख्तियार लोगों के दरमियान तुम्हारी इज्जत भी बढ़ा देगा। तुम्हारी जिम्मेदारी थी सोने को मेरे पास लाना। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो इतना फायदेमंद है? सुल्तान केकवुस, केकवुस को लाने से तुम्हारा क्या मतलब है?
मैंने तुमसे महसूल का सोना मांगा था, क्या कबूस कहां से मिल गया तुम्हें? अल्तिन ओर्दू के हुक्म पर बरके खान ने अगवा किया था उसे, लेकिन वो अब मेरे पास है और इस वक्त एक महफूज मकाम पर मौजूद है। तो उसे जल्द मेरे पास ले आओ। इत्मीनान रखो अरंजक, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं कि तुम मुझे दौड़ाओ और मैं फौरन दौड़ पड़ूं। पहले तुम्हें मेरी कुछ शराइत मानना होगी, उसके बाद कहकर उसको हवाले करूंगा तुम्हारे। किसके दम पर तुम ये शराइत रख रहे हो मेरे सामने? मैं वो हूं जिसके हाथ में इस वक्त तुम्हारा वकार है। मुझे वो न मिला जो मैं चाहता हूं तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी कहानी सुनाओगे मैं उस पर यकीन कर लूंगा? तुम सोना तलाश ना कर सके और अपने कबीले को बचाने के लिए क्या कावोस के बारे में झूठ बोल रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? मुझे कैद करने का कोई फायदा नहीं। जिलावतन करोगे तो हिजरत कर जाऊंगा, मारोगे तो शहादत पाऊंगा। सिपाहियों से कहो काई कबीले पर हमला कर दे, अर्तुरुल को सऊद के दरमियान ले जाए, सबके सामने मारूंगा मैं। रुक जाओ। ये है सबूत के कवस मेरे कब्जे में है। ये वही अंगूठी है जो उन्हें किले चरसलान के साथ सुल्तान का मनसब देते वक्त दी गई थी। देख लो अच्छी तरह। तुम्हारी साख मेरे हाथ में है अलंजक। अगर कहकर उसको हलाकू खान के पास लेकर ना गए तो तुम्हारे साथ जो होगा वो हम दोनों जानते हैं। अगर हम मुत्तफिक ना हो सके तो मुमकिन है कि हम दोनों ही नुकसान उठाएं, लेकिन नुकसान दोनों में से किसी एक का ज्यादा होगा। अच्छी तरह सोच लेना। तो अब बताओ मुझे क्या शराइत है तुम्हारी? सबसे पहले मेरे सिपाहियों की तलवारें वापस की जाएं और तुम महसूल के सोने से दस्तबरदार हो जाओ। जो हुआ उसे नजरअंदाज करके मेरे भतीजे सुलेमान को माफ करो। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं। सुलेमान ने मेरे खिलाफ बगावत की थी और फिर वो जिंदान से फरार भी हो गया। बेबोलाद का इख्तियार तुमसे ज्यादा है तो मैं इसी से बात कर लेता हूं। खुद को काबू में रखो जब तुम अकेले में हो और अल्फाज को काबू में रखो जब तुम अकेले में ना हो। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में दखलअंदाजी नहीं करते। तो ये शराइत है तुम्हारी? अभी नहीं। आखिरी शर्त यह है कि मेरे भाई गुंदोगदू को भी माफी दी जाए। मुझे उसके लिए मोहरशुदा तहरीरी माफीनामा चाहिए। अगर तुम कहो तो मैं अभी पैगाम भिजवा देता हूं कि हलाकू खान अपना तख्त यहां भेज दे। तुम जानते भी हो के क्या मांग रहे हो मुझसे। यह शराइत सिर्फ हलाकू खान कबूल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर सुकून से बैठकर मेरी शराइत और अपने वकार के बारे में गौर कर लो तुम, फिर खुद फैसला कर लेना कि तुम्हें किस तरफ जाना है।
तो तुमने कहा क्या कवच तुम्हारे पास है? पहले मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। फिक्र मत करो, मकाम बताऊंगा, खुद जाकर देख लेना तुम। पहले शरायत कबूल करो मेरी और माफीनामा हवाले करो मेरे, उसके बाद तुम्हारा बोझ अपने सर लूंगा। शराइत कबूल है मुझे। अगर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल हुई और कैका वो मुझे ना मिला तो मैं वापस आकर तुम्हारा कबीला जला दूंगा। तुम्हें माफीनामा जल्द मेरे हवाले करना होगा अलंजक, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। हलाकू खान तुम्हारा और कैकबूस का मुंतजर है। कलम और रोशनाई लेकर आओ। सुल्तान, जब अलंजक अर्तुरुल भाई की शराइत कबूल कर लेगा तो वो आपको लेने उस जगह जाएगा जहां हम आपको ले जा रहे हैं। वो ना हुआ जैसा आपने सोचा है, और अलंजक कोई चाल चल गया तो फिर उसका नतीजा शहादत होगा सुल्तान। मेरे पेशे नजर जिंदगी नहीं, हमारा मकसद है तुर्गुत सरदार। जिद्दोजहद की इस तहरीक को जवाल नहीं आना चाहिए। जब तक शर जिंदा है और उस कबाइल से मुजाहिद कभी खत्म नहीं हो सकते इंशाल्लाह। अगर हम लोग शहीद भी हो गए तो हमारी जगह लेने के लिए और बहादुर आ जाएंगे और मुकाबला करते रहेंगे। पहले अलंजक भाई की सारी शराइत कबूल कर ले, उसके बाद कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की होगी। इंशाल्लाह सब कुछ हमारे मुताबिक होगा। हमारे पास सिर्फ हमारी ये नाचीज जिंदगियां हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी दांव पर लगाएं, चाहे फिर फतह का रास्ता खुले या फिर शहादत की मंजिल मिले। जिंदगी हक पर गुजरे बस यही काफी है। वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। अल्लाह आसानी फरमाए। करनी है, जल्दी करो। हमें ये गड़े खोदने के काम में क्यों लगा रखा है उस्मान? यहां क्या उगना है? कुछ भी नहीं, हम ये अपने लिए नहीं दुश्मन के लिए खोद रहे हैं। दुश्मन के लिए? दुश्मन के लिए क्या खोद रहे हैं? कब्रें। कैसी बातें कर रहे हो ये? दुश्मन के लिए कब्रें क्या सोचकर खोद रहे हो तुम? दुश्मन हम पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, उन्हें शिकस्त देने के बाद कहां दफनाएंगे हम लोग? शिकस्त देने से पहले ही ये सोच रहे हो? बहुत अरसा पहले एक बहादुर खान पहाड़ की चोटी पर गया। वो देखना चाह रहा था कि दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा है। दुश्मन के लश्कर में सिपाही बहुत ज्यादा थे। खान का लश्कर दुश्मन के उस बड़े लश्कर के सामने बहुत मामूली दिख रहा था। खान का सिपहसालार उसके पीछे खड़ा था
और सोच रहा था कि हम पसपा हो जाएंगे। उसने खान से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इतने बड़े लश्कर को हम शिकस्त दे पाएंगे? खान ने कहा कि मैं इस लश्कर को देखकर यह सोच रहा हूं कि अपने दुश्मन के इतने मुर्दा सिपाही कहां दफनाऊंगा मैं। जीत सिर्फ एक ही सूरत में हासिल हो सकती है, जब तादाद को नहीं अज़्म को हथियार बनाया जाए। फतह पे शक रखोगे तो फतह कभी हासिल नहीं होगी। आइबर्स, सिपाही जंग की तैयारी कर रहे हैं और हम दुश्मन की कब्रें खोद रहे हैं। जब दुश्मन देखेगा कि हम फतह के लिए कितने पुर उम्मीद हैं, तो वो हमसे खौफजदा हो जाएंगे। चलो जल्दी करो, बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी। बताओ जिसका वादा किया था, केकोस कहां है? सुर्ख दरख्तों के जंगल में जाओ, वो तुम्हें वहीं नजर आ जाएंगे, मुंतजिर होंगे तुम्हारे। तुमने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया है अर्तुरुल। याद है मैंने कहा था मैं तुम जैसे समझ बूझ रखने वाले सरदार को जाया नहीं करना चाहता। तबरे से आने के बाद तुम्हारे साथ मिलकर बहुत कुछ करना चाहूंगा। जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ खाली नहीं भेजते, हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम लेते हैं और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते हैं। सुबुताई, जो सिपाही संदूक लेकर जाने वाले हैं उन्हें खबर करो कि सुर्ख दरख्तों के जंगल पहुंचे। मैं कोनिया रवाना हो रहा हूं, तुम कहकर वो सर संदूक को लेकर आना।
जो हुक्म कमांडर अलंजक। बहुत अच्छा सौदा किया ये, जो दिया उससे कहीं ज्यादा पाया हमने। ज्यादा यकीन ना रखिएगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने अच्छा नहीं किया। अर्तुल के जो मुतालबात आपने पूरे किए हैं वो मुसीबत बन जाएंगे हमारे लिए। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो बेबोलाद? उस सुलेमान नामी बच्चे को माफ कर दिया इसलिए? तुम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए, तुम्हारी लापरवाही से फरार हुआ था वो। सुलेमान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा मसला है गुंतोक्तु। वो क्यों? कौन हूं मैं? अल्बास्ती हूं मैं, अल्बास्ती। अगर गुंतोक्तु यहां पहुंच गया तो अल्बास्ती की असलियत सबके सामने आ जाएगी। आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? कैसी मजहे का खैस बात कर रहे हैं? मामले की नजाकत क्यों नहीं समझ रहे? उसने जो मांगा बस दे दिया। तुम्हारे बचपने पे हंस रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है ये सब नहीं सोचा मैंने? मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम क्या काबूस है? जब मैं उसे अलाकू खान के हवाले कर दूंगा तो वापस आकर सब कुछ छीन लूंगा उससे मैं। तो उसे माफीनामा क्यों दिया आपने? हाँ दिया, लेकिन ना तो वो मकतूब गुंदोगदू तक पहुंचेगा और ना वो यहां आएगा। तुम अपने अंदर का अल्बास्ती जाहिर करो और माफीनामा पहुंचने से पहले रोक लो। सिपाही तैयार है कमांडर अलंजक। मैं अब कोनिया रवाना हो रहा हूं, तुम सुबुताई के साथ जाओ और ककाउस को लेकर आओ। हाँ, किसी खता की सूरत में मेरे सामने मत आना, वरना मौत से बदतर हालत करूंगा। यिनाल, हुक्म करे सरदार। जल्दी बतूर सिपाही को पैगाम भेजो कि काई कबीले का अतराफ वो घात लगा ले। वो क्यों सरदार? गुंदोगदु के पास वो माफीनामा शायद सुलेमान लेकर जाए। उसे सुलेमान को पकड़कर मेरे पास लाना है। वो माफीनामा गुंदोगदु तक नहीं पहुंचना चाहिए। ड्रेगोस जैसे ही पहुंचेंगे हम उनकी बताई हुई जगह पर फौरन हमला कर देंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या कमांडर ड्रेगोस को देखा तुमने? नहीं जनाब। कदर अहमक हो के मेरा खुले मैदान में इंतजार कर रहे हो, लेकिन दुश्मन इतना अहमक नहीं कि तुम लोगों को देख ना सके। पकड़ो इसे।
जनाब यहाँ बहुत घने दरख्त हैं। अगर छुपने का फन आता हो तो सहरा में भी छुपा जा सकता है, और अगर नहीं आता तो जमीन की तह में भी जाहिर हो जाओगे। जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास। हमें किस तरफ बढ़ना होगा जनाब? अर्तुरुल ने कहा था मुख्तसर तरीन रास्ता जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो सनोबर के जंगलात से होता हुआ जाता है। हमले के लिए बेहतरीन जगह है वो। तो फिर हमें फौरन चलना चाहिए। उरानुस, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें वहां जल्द पहुंचा दे? इस जंगल के इख्तिताम पर एक रास्ता मौजूद है जनाब, वो रास्ता हमें मुख्तसर वक्त में वहां पहुंचा देगा। तो तुम हमें उस रास्ते से लेकर जाओगे जो पहले से सबके इल्म में है? बस वही एक रास्ता है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहां आओ तुम दोनों, पकड़ो इसे। अर्तुरुल के कहने के मुताबिक यहां सनोपर के जंगलात हैं। हम ये बलखाता पहाड़ी रास्ता अपनाएंगे। घोड़ों के लिए ना हमवार होने की वजह से कोई यह रास्ता इस्तेमाल नहीं करता। घोड़ों को पहाड़ पर छोड़ देंगे, इसी रास्ते से हम जल्द से जल्द वहां पहुंच सकते हैं। जी समझ गया जनाब। जीतने के लिए मुश्किल फैसले करने होते हैं उरानुस, अगर आम लोगों की तरह सोचोगे तो दुश्मन मात दे देगा तुम्हें। सिपाहियों जल्दी चलो। अर्तुक साहब, क्या सिपाहियों को सऊद रवाना करना चाहिए? अभी तक अर्तुरुल की तरफ से कोई खबर नहीं आई, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ हो ना गया हो। सऊद चारों तरफ से घेरे में है हाइमा खातून। सरदार का हुक्म है कि हम लोग यहीं पर कायम करें। हमारी जिम्मेदारी कबीले की हिफाजत करना है, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। या मेरे अल्लाह, मेरे अर्तुरुल को अपनी अमान में रखना, हमें मुश्किल में ना डालना मेरे रब। हम अर्तुरुल सरदार के सही सलामत पहुंचने के बाद उन मलून मंगोलों पर कहर बनकर टूटेंगे। वक्त आने पर ऐसा ही होगा कुंदूस। अर्तुरुल सुलेमान, ओ मेरा बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरे बेटे को लौटा दिया तू, शुक्र है मेरे रब। माशाल्लाह मेरे शेर बेटे। हदाती कुर्बान हो जाए तुम पर मेरे बच्चे। वालिदा बहुत मुबारक हो बेटी। मालिक शुक्र है मेरे मालिक का। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो भाई। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती सुलेमान के बगैर? मैंने आपसे क्या कहा था भाभी, मैं अपने भतीजे को दुश्मनों के पास कैसे छोड़ सकता हूँ? बस अब गुंडोगदों की खैरियत की खबर आ जाए, मेरी इससे ज्यादा और क्या ख्वाहिश होगी। आप वहां से निकले कैसे बाबा? क्या उनका मुतालबा पूरा कर दिया आपने? दुनिया में दो तरह की ताकतें होती हैं बेटा, एक तलवार की और दूसरी अक्ल की। लेकिन अक्ल की ताकत इस्तेमाल करने वाला मुजाहिद तलवार से शिकस्त नहीं खाता कभी। ये लीजिए भाभी। ये क्या है भाई? दुआ कबूल हो गई आपकी, पढ़िए इसे। मेरे भाई गुंडोगदू और उनके साथियों के लिए अम्न का मुआहिदा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाई अब महफूज है, अब उनकी मर्जी है, वो जब चाहें वापस आ सकते हैं अपने कबीले। भाई मैं सुलेमान, मेरा बच्चा, बहुत शुक्र है अल्लाह ने ये दिन दिखाया आपको। वालिदा मुबारक हो तुम्हें मेरी बेटी, मुबारक हो, बहुत शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे भाई।
यह मुआहिदा अभी हुआ है भाभी। मंगोल फौज में मौजूद हमलावर और उसमें छुपे गद्दार हिजरत करने वाले कबीलों पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अभी सिर्फ सुलेमान रवाना होगा क्योंकि आपके जाने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। सुलेमान मेरे साथ जाएगा। आप यहां कबीले में अपने लोगों के आने के इंतजाम कीजिए। हम अपने हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लें तो फिर आप अपने कबीले रवाना हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। जो आपका हुक्म सरदार। मेरी बच्ची। सामने एक शख्स नजर आ रहा है जनाब। यही है वो। कौन है ये? कैकावोस। अगर हम और रुके तो हो सकता है कि अलागू खान भी पहुंच जाए। हम किसी के पहुंचने से पहले ही हमला कर देंगे। फौरन जब्त कर लो उम्रुल्लार के सिपाहियों की तलवारें। सोहूत में मुझे इनका कोई सिपाही नजर ना है। तुम सबका अंजाम मौत है। जल्द ये सरजमीन तुम जैसे गिदड़ों से पाक कर देंगे। सोहूत पे सिर्फ आपका ही हक है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? होते कौन हो तुम लोग सोहूत में अपना परचम लगाने वाले? यकीन करो, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो अर्तुरुल सरदार के गजब से बचने के लिए कोई ऐसा गोशा तलाश करती जहां मुझे अमान मिल सके।